पांच सबसे बड़ी और अहम खबरों से करेंगे, और वो पांच खबरें हैं क्या, सबसे पहले आज हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इन्हीं पांच खबरों का आज पूरा दिन हम आपको जिक्र करेंगे। पांच खबरें, सबसे पहली खबर दिल्ली से, जहां पर आशा किरण केयर सेंटर को लेकर अब लगातार जो है वो दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। दूसरी तस्वीर, दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी और उसके बाद अलकायदा के इस मेल को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तीसरी खबर केरल के वायनाड से, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी आज भी लगातार जारी है और कोशिश यही है मलबों से शायद ही कोई जिंदगी ऐसी जो अभी भी अपनी जान को लेकर संघर्ष कर रही है उसे बचाया जा सके। चौथी तस्वीर, इसराइल और ईरान के बीच उस जंग की, जिस जंग को लगातार अब तेज होते हुए देखा जा रहा है। पांचवी और सबसे बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसके आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, तो अब लगातार उसको लेकर सियासत भी हो रही है। यानी कि वो पांच तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों का आज हम पूरा दिन विस्तार से आपको जिक्र करेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, ईरान और इसराइल के जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ एक वक्त ये लग रहा था कि शायद ये जंग थम जाए, लेकिन ये जंग अब और तेज होती जा रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान और इसराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है। लगातार हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर हमला किया जा रहा है, हालांकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कोशिश ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उन हमलों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया जाए। लेकिन ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर मिसाइल के जरिए अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और निशाना बना रहा है इसराइल के उन तमाम रिहायशी इलाकों को, ताकि इसराइल को कहीं ना कहीं से कमजोर किया जा सके। और ये वो तस्वीर है हिजबुल्ला के हमले की, जिस हमले में आप ये देख सकते हैं कि कैसे इसराइल के इन रिहायशी इलाकों में हिजबुल्ला की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। और ये तय है इन हमलों के बाद इसराइल मुंहतोड़ जवाब हिजबुल्ला को एक बार फिर इस जंग के पहले दिन से जिस तरह से देता रहा है वैसे देता हुआ नजर आएगा। हिजबुल्ला के उस अटैक की, जिस अटैक को लेकर अब इसराइल ये तय है पलटवार करेगा, वो पलटवार होगा क्या, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसराइल का रिहायशी इलाका, जिस रिहायशी इलाके पर हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया है, सुनाते हैं आपको। आवाज आपने सुनी और यह आवाज हिजबुल्ला के उस अटैक की है, जिस अटैक ने इसराइल के इस रिहायशी इलाके को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब यह तय है इसराइल इस हमले का पलटवार करेगा, वो पलटवार क्या होगा वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद ली जा रही है इसराइल की तरफ से, ताकि हिजबुल्ला के इन रॉकेट हमलों को हवा में ही ध्वस्त किया जाए। तो इन तस्वीरों के बाद अब बात राम की नगरी अयोध्या की। दरअसल बीजेपी का डेलीगेशन आज गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा और मुलाकात करेगा। ये मुलाकात क्या होगी और उस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सपा नेता मोहित खान की सच्चाई सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। सपा नेताओं की हालत ऐसी है कि उन्हें ना तो कुछ बोलते बन रहा है और ना ही उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द ही बचा है। खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद फूलकर कुप्पा हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद तो जैसे सच से मुंह छिपाए बैठे हैं।
अयोध्या कांड के बाद हफ्ता बीतने को है, लेकिन अयोध्या सांसद अब तक पीड़िता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, जबकि पीड़िता से मिलने का वादा 2 अगस्त का ही था। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम वंडरिंग हियर एंड हियर। मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ, जानकारी लूंगा कल। अरे भाई, लेट मी शो। सपा सांसद तो पीड़ित बच्ची से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी मोहित खान के महापाप पर सपा को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। नाबालिग पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को बीजेपी नेताओं ने मुहिम बना लिया है। इसी कड़ी में आज बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जा रहा है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा, फिर पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे मामले की रिपोर्ट संगठन के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगा। आपको बता दें, शनिवार को ही बीजेपी के विधायक अमित सिंह चौहान पीड़िता के घर पहुंचे और उन्होंने पीड़िता की मां को सीएम योगी की तरफ से दिए गए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। विधायक अमित सिंह चौहान ने इस मुलाकात के बाद सपा नेताओं को इस मामले पर राजनीति से बचने की अपील की और परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किस परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, यहाँ के लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सब लोग उस पर अच्छी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर भी रही है और जो आर्थिक सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था, तो वही उनके दिशा निर्देशन में आज हम स्थानीय प्रशासन के साथ आए और 5 लाख का चेक प्रदान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, वो भी मैंने माता जी से कहा कि आगे जो भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसको आपको मुहैया कराएगी। हैरानी ये है कि एक तरफ बीजेपी के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं यहां से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद गायब हैं। उस पर हैरानी ये कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सफाई देने की बजाय सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया से चुभते सवालों से बचते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के बीजेपी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। कुकृत के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो, उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों, तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सपा नेता उल्टा पीड़िता को ही झूठा ठहराने पर लगे हैं, जबकि पूरा मामला पानी की तरह साफ हो चुका है। सवाल है, आखिर सपा नेता मोहित खान इस मामले में बेदाग है, तो आखिर अयोध्या के सांसद क्यों जनता से आंखें चुरा रहे हैं? हैरानी ये है कि सपा अध्यक्ष का ये ट्वीट तब आया जब पीड़िता से मिलने के नाम पर अस्पताल आए सपा के 2 नेताओं को पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप लग चुका है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष ने जैसे ही उल्टी गंगा बहाने की कोशिश शुरू की, यूपी के डिप्टी सीएम बिफर गए। उन्होंने सपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बलात्कारियों को बचाना सपा के जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो, तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या के पवित्र भूमि पर एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, खासकर अयोध्या के लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। लेकिन सपा पीड़ित नाबालिग बच्ची के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इसे राजनीति से जोड़ रही है। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने तो इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण ही कर दिया। तो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है बदनाम करने के लिए। मैं अयोध्या गया था, वो गरीब बेटी, साथ की बेटी हमारी बेटी थी, उसकी दर्द को देखा और दर्द को बयां नहीं किया जा सकता, कितना करा है, कितना दर्द है, जिससे हम वो सहमी हुई है, इतना डर है उस अपराधी से कि सही सही बात नहीं बोल पा। समाजवादी पार्टी के नेता पैर भी कर रहे हैं, उसके लिए पैर भी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुँह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लड़ाई में 2 पक्ष बन गए हैं, एक तरफ बीजेपी पीड़िता के साथ है तो दूसरी तरफ सपा आरोपी के साथ है। अखिलेश हो या अवधेश हो, ये भगवान के पर्यायवाची नाम है, इन्होंने कलंकित कर दिया इन नामों,
और साजिश कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एक बार उस बेटी के सर पर हाथ रख के पूछो अवधेश जी, पूछो अखिलेश जी, जाओ उसके घर, बेटी हमारी भारत की संस्कृति है। कुल मिलाकर अयोध्या में नाबालिग के साथ दरिंदगी को लेकर सियासत जोरों पर है और चिंता की बात ये कि सेंटर में मुद्दा पीडीए का है और दोनों को अपने नफा नुकसान की पूरी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की उस खबर की करेंगे जिस खबर ने हर एक देशवासी को पिछले कई दिनों से सकते में डाल रखा है और आप सवालों के इर्द गिर्द ही भटक रहे हैं दरअसल। और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर 20 दिन में 14 लोगों की मौत कैसे हो गई, इसको लेकर आज रिपोर्ट आनी है तो शायद आपके इन सवालों पर पूर्ण विराम लग जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेल्टर होम में मौत, जांच के आदेश के साथ पल्ला झाड़ सरकारी बयान, विरोध प्रदर्शन और फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के आशा किरण होम में मासूमों की मौत के बाद भी हमेशा की तरह तस्वीरें कुछ यही नजर आईं।